हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल Study24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, अगर आप दिल्ली के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं या आपने शिक्षक बनने का सपना सजो रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, आपने अभी एक दो दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी कि दिल्ली के अंदर 10,000+ न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था और अन्य साथियों ने भी आपको बता दिया होगा। तो अभी क्वेश्चन आता है कि ये रिक्रूटमेंट कब तक आएंगी, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अशोक अग्रवाल सर ने बोला था कि जल्द ही वैकेंसीज निकलवाने के लिए हम अपील करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये कोर्ट का पेज है जो इन्होंने अपील करी है। तो अभी इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल तक एडवर्टाइजमेंट निकाल दे DSSB, मतलब DSSB वो चाहते हैं। अशोक अग्रवाल सर ने जो प्रेयर करी है, यहाँ पे अपील करी है कि 7 अप्रैल 2019 तक जो एडवर्टाइजमेंट है इन वैकेंसीज की वो निकाली जाए, 10,591। तो साथियों, एक बहुत अच्छी खबर है, अभी देखते हैं क्या होता है। हालांकि अशोक अग्रवाल सर काफ़ी टाइम से सहयोग करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि इन वैकेंसीज को निकलवाने में भी सहयोग करेंगे, और बहुत अच्छी खबर है उन साथियों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में मैं ये भी डिस्कशन करूँगा आप लोगों के साथ कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, PRT की कितनी होंगी, TGT की कितनी होंगी, इस टाइप से डिस्कशन होगा। तो साथियों, ये अपडेट है अभी आप लोगों के लिए और उम्मीद है कि जल्द ही आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो साथियों, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाएं, लाइक में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो साथियों, थैंक यू, जय हिंद।